आज के सेशन को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। 14 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में, आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, उन क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा गया किसके इक्वल होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कहां से करते हैं, हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमेशा कहां से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना कि आप इसको सॉल्व करें, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 625। कितना मिलेगा, 625। कड़ी में 625, जब ये कड़ी से फ्री होगा 625, तो 625 कितने का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 25। क्लियर है, कड़ी से बाहर होगा तो इसका मान 25 आ गया। अब कि ये प्लस का साइन है तो इन दोनों को ऐड करिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 36। कड़ी में कितना हो गया, 36। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्लियर है, अब इन दोनों को ऐड करिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 196। कड़ी में कितना हो जाएगा, 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, यानी जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 14। इस पूरे को सॉल्व करने पर इसका मान किसके इक्वल होगा, 14 के इक्वल होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए 24, 10 और 2700 का एचसीएफ पूछा गया, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। देखिए 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका ये जीरो हटा दूं तो अब मेरे पास नंबर क्या बचा, ये 241, और ये कितना है, 10 से तो कट ही रहा है, 10 के अलावा कोई है क्या, तो ये नंबर देखिए 3 नंबर, ये देखिए 3 नंबर, ये 270 और 241। क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी क्या, 241 और 270 को, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये किसी संख्या से कटेंगे, 241 और 270 किसी सेम संख्या से ये सब नहीं कटेंगे। तो कह सकते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसका आयतन आपसे पूछा गया। बेलन का क्या पूछा गया, आपसे आयतन पूछा गया। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिए, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूनिट किस में, सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इसे भी सबसे पहले करेंगे क्या, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जब आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखिए व्यास दिया है, अगर मैं इसका आधा कर लूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगा, यानी आर का मान मुझे कितना मिल गया, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको करना है कि इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। तो पाई है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, पाई का मान 22/7। अब देखिए आर, आर का मान दिया गया, अगर आप आर का यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और देखिए एच का मान कितना दिया गया, 7। अगर ये 7 से 7 कट गया तो इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 22/0। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, 22/0 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहते तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हम लोग किस में लिखते हैं, यानी क्यूब में लेते हैं। जो स्क्वायर यानी जो क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो बेलन और गोले से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बेलन और गोले से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक गोले का व्यास कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन पूछा गया। अगर ये व्यास है तो अगर मैं इसका आधा कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गई 4 सेंटीमीटर, और पूछा कि गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन बराबर होता क्या है, गोले का आयतन बराबर होता क्या, 4/3 πr³। क्लियर है, अब देखिए r का मान दिया गया कितना, 4 है, इसके स्थान पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64, 4/3 और ये पाई, पाई को आप इसी तरह से रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 64। क्लियर है, ये सॉरी ये 4/3, 4 बटे कितना, ये 3,
अब देखिए तीन से तो कटेगा नहीं, तो अब करना कि इन दोनों का मल्टीपल कर लिए। जब मल्टीपल करेंगे तो चार चौको 16 हो गया, चार छक्का 24, 24 से कितना 25 हो गया, और नीचे कितना 3। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 256 पाई बटे 3, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है, पॉइंट के रूप में दिया गया। देखिए जब ये कितना 4 है ना और 10.2 अंक पे है, तो जब ये कड़ी से फ्री होगा तो सबसे पहले 4 किस ये 2 देगा, जब कड़ी से फ्री होगा तो 2 देगा। लेकिन 10.2 देखिए 2 अंक पे है, तो जब भी ये कड़ी से फ्री होगा तो 10.2 क्या हो जाएगा, आधा अंक पे। अगर 2 अंक पे है तो 1 अंक पे हो जाएगा, अगर 4 अंक पे है तो 2 अंक पे हो जाएगा। ठीक है, 10.2 कितना हो जाएगा, ये 1 अंक पे हो जाएगा। अब देखिए कितने का स्कोर, ये जो 625 है ये कितने का स्कोर होता है, 25 का, क्लियर है। लेकिन 10.2 अंक पे है, तो जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 10.2 क्या हो जाएगा, 1 अंक पे हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो कितने का ये स्कोर होता है, 35 का स्कोर होता है। कितने का स्कोर होता है, 35 का। अंदर देखिए 2 अंक पे 10.2 है, लेकिन जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 10.2 क्या हो जाएगा, 1 अंक पे हो जाएगा। और ये कितना, ये -08, ये सब प्लस है और ये माइनस। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2.5 है और ये 3.5, तो कितना हो जाएगा, ये 6 देगा। 6 को इसको जोड़ेंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2, -0.8। अब इन दोनों को करना क्या, घटाना, तो जब घटाएंगे तो 5 पॉइंट कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक्स वाई से 2 गुना तेजी से काम करता है, एक्स वाई से 2 गुना तेजी से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ये कहा गया एक्स जो वाई से 2 गुना तेजी से काम करता है, ये एक्स है और ये वाई, एक्स वाई से 2 गुना तेजी से काम करता है। अगर मैं मान लो ये जब तक एक काम करेगा तब तक ये कितना काम कर देगा, ये 2 काम कर देगा। ये दिया गया इनकी कार्य करने की क्षमता दी गई, मीन्स कैपेसिटी दी गई, और ये कहा गया कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। अब अगर ये दोनों के कार्य हैं, अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3, और कितने दिन तक साथ साथ कर रहे हैं ये लोग, 14 दिन तक। तो 14 दिन में कितना काम करेंगे, अगर 1 दिन में 3 काम करें तो 14 दिन में कितना काम करेंगे, 14 × 3 = 42 काम करेंगे। अब ये टोटल कार्य किसके द्वारा कराना है आपको, एक्स के द्वारा कराना है, और जो एक्स है 1 दिन में कितना, 2 काम कर रहा है, तो इसमें करिए क्या, 42 में करिए क्या, 2 से डिवाइड कर दीजिए। चाहे तो आप मल्टीपल कर सकते हैं या इसको इसी तरह से भी रहने दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। एक्स उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा अकेले, 21 दिन में फिनिश कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग 32 वर्ष है, 2 साल बाद ए की आयु बी की आयु का कितना, 3 गुना हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए ये कहा गया कि ए प्लस बी दोनों की आयु का योग दिया गया, कब का दिया, वर्तमान का दिया, और ये रेशियो 2 साल बाद का दिया गया, दोनों के जो बीच का रेशियो है, ठीक है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, 3 गुना हो जाएगी, ए की आयु जो बी की आयु की 3 गुना हो जाएगी, कब होगी, ये 2 साल बाद, 2 साल क्या होगी, 2 वर्ष बाद, ठीक है। और ये जो आयु का योग है इनके क्या, वर्तमान का दिया गया, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना दिया गया, 32 वर्ष है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आयु का योग वर्तमान का है और ये रेशियो क्या है, 2 साल बाद का है, क्या दोनों एक में है, क्या दोनों प्रेजेंट टाइम में, नहीं, ये क्या प्रेजेंट में है और ये क्या फ्यूचर में है कि नहीं, ये बात का दिया गया। तो हम लोग करेंगे दोनों को एक में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये देखा जाए तो 2 साल, अगर ये 2 साल पहले दोनों की आयु का योग ये रहा होगा तो 2 साल ये भी बढ़ेगा, 2 साल बी भी बढ़ेगा, यानी दोनों 2-2 साल बढ़ेंगे। अगर मैं करूं कि इसमें 4 जोड़ लूं, अगर 4 जोड़ लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 2 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 36 वर्ष होगा। 2 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 2 साल बाद की आयु का योग पता चल गया और ये रेशियो भी क्या, 2 साल बाद का, दोनों देखिए समान में। अब यहां से जोड़ के करना है कि इसको डिवाइड कर दिए, 4 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी, 9 बार में कटेगा। अब किसकी आयु पूछा है, एक ही आयु पूछा है ना, तो ए वाले मिला के गुणा करिए,
जितनी बार भाग गई है ए वाले मिला के गुणा कर दी, नौ त्रिका 27, ठीक है। ए की आयु पता चल गई, लेकिन कब की पता चली, 2 साल बाद की पता चली है। तो आज की आयु पता करने के लिए, यानी वर्तमान आयु पता करने के लिए 2 साल बाद का रेशियो है, तो इसमें से 2 क्या करिए, घटा दीजिए। जब 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 वर्ष। ए इस समय कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस, ठीक है, लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई होता है और चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर क्या होता है, एच एल होता है। ये फार्मूला होता है। देखिए आपको सब कुछ पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है। इसमें रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले एल इंटू बी करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 6। इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं आप, 6 लिख सकते हैं। अब इसके स्थान पर बी एच, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा, ये 18 मिलेगा। और इन दोनों के स्थान पे कितना आ जाएगा, एच और एल, एच और एल, कितना मिलेगा, ये 12। अब इन सभी को जोड़िए, जब इन सभी को जोड़ेंगे 30 मिलेगा, और 30 छह कितना हो गया, 36। 36 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 36 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 72 मिलेगा, ठीक है, 72 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी समीकरण के मूल दिए गए हैं, तो इक्वेशन इस समीकरण आपसे पूछा गया है, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, तो आपसे इक्वेशन पूछा है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लिख लीजिए इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप याद भी कर लीजिएगा। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या होता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, 0। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान आपको पता है, इसमें रखिए क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, यानी इक्वेशन आपको पता करना है। यहां से ये एक्स स्क्वायर हो गया, अगर आप यहां पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को जोड़ना है, 3 × 9, 9 ये कितना हो गया, 10। 10 बटे कितना मिलेगा, 3, क्लियर है। अब यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 और 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, इतना क्लियर है। अब देखिए यहां पे 3 है, तो हम लोग करते क्या, सबसे पहले हम लोग करते कि एलसीएम लेकर के क्या करते हैं, 3 को रिमूव करते हैं यहां से, एलसीएम लेकर के हम लोग 3 को यहां से हटाते हैं, तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा और इसमें हो जाएगा और ये इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। और पूरे का बटा जो 3 मिलेगा नहीं, पूरे का बटा कितना होगा, 3 होगा, पूरे का बटा 3, और 3 जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे 0 में तो कितना मिलेगा, 0। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए इक्वेशन आपको पता चल गया, ये इक्वेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 1820 रुपए में बेचने पर 9% की हानि होती है, तो 9% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए कोई वस्तु रही होगी, जो भी इसका दाम रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये इसमें से 9% की हानि पर बेच दे रहा, इसमें से 9% की हानि पर बेच दे रहा, तो ये दाम कितने के ले रहा, कितने परसेंट का दाम ले रहा, इसमें से 9 घटाएंगे तो कितने परसेंट का दाम ले रहा, ये 81% का दाम ले रहा, और रुपए में कितना, इतना, तो कह सकते हैं ये 81% है, जो 1820 रुपए है ये किसके बराबर होगा, 81% के बराबर होगा। अगर मैं 81 से भाग दे दूं और 100 से गुणा कर दूं, तो वस्तु का क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। लेकिन ये चाह क्या रहा है, 9% का लाभ चाह रहा है। अगर ये वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया, हमें 100% पता चल गया, अगर ये 9% का लाभ चाह रहा है, तो आप करिए कि इसका डायरेक्ट करिए कि 109% आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वस्तु कितने में बेची जाए ताकि उसे 9% का लाभ हो जाए। 100 से 100 कट गया,
इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितने 20 बार में कट जाएगा, और इसमें लाके मल्टीपल कर दीजिए। जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 1 2, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वस्तु कितने रुपए में बेचा जाए, वस्तु को 2180 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, तभी उसे 9% का लाभ होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जब इतने में बेच रहा तो उसे 9% की हानि हो रही है, तो पूछा है कि 9% लाभ के लिए कितने में बेचना चाहिए, उसे 2180 रुपए में बेचना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ये देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, इन दोनों का ऐसे पूछा गया। देखिए सबसे पहले 100 से तो ये भी कट रहा है, 100 से ये भी कट रहा है, 100 से तो दोनों कट रहे हैं। अब मेरे पास ये नंबर बचा, ये कोई ऐसी संख्या क्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ठीक है, दोनों 3 3 से कट रहे हैं, 3 के अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, 3। तो कह सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो 300 आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 2000 रुपए है। इसे 25% और 12% दो क्रमिक छूट के बाद बेचे गए, तो फिर भी उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो गया। ठीक है, यानी 20% लाभ पर उसे मिल रहा है, दुकानदार को फिर भी 20% का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में लिखा गया है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि कोई वस्तु है जिसका प्राइस आपको दिया गया, इस पर दो बार छूट दी जा रही है, पहली छूट 25% और दूसरी छूट 12%। दोनों छूट देने के बाद फिर भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है, तो पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए सबसे पहले ये जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना, ये 2000 रुपए अंकित कर रहा है, इस पर पहली छूट कितना दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। तो जो भी ये अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, अगर इसमें से 25% की छूट दे रहा तो दाम कितने का लेगा, ये 75% का दाम लेगा। कितने परसेंट का दाम ले रहा है, ये 75% का दाम ले रहा है, ठीक है, बटा 100। देखिए पहली छूट के बाद वस्तु इतने में बिकेगी, अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पहली छूट के बाद वस्तु इतने रुपए में बिकेगी, ठीक है, लेकिन दूसरी छूट क्या कर रही है, 12% की छूट दे रहा है, तो पहली छूट के बाद वस्तु फिर से अपने आप में 100% होगी। अगर 12% की छूट दे रहा है तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88। कितना बचेगा, 88 बचेगा। तो करना क्या, अब इसका 88% निकालिए, जब 88% निकालेंगे तो आपको यह पता चल जाएगी उसने वस्तु को इतने रुपए में बेचा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कितने रुपए में बिकी। ठीक है, जब वस्तु इतने रुपए में बिकी तो उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो कह सकते ये टोटल कितना होगा, 120% होगा कि नहीं, क्योंकि अगर ये 20% का लाभ है तो इसमें 100% शामिल है, यानी क्रय मूल्य शामिल है और 20% का लाभ, तो ये टोटल कितना हो गया, 120%। आपको करना है कि इसमें 120 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको कई लाइन बचा दी, ठीक है, एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया। देखिए करना के कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, ये 100 से 100 कट गया, 00 से इसका ये 00 कट गया। अब देखिए यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और ये 2 6 12, क्लियर है। अब देखिए 3 से ये भी कटा है, 3 से ये भी कटा है, तो ये कितनी, 3 2 6, 3 5 6 15, और ये 3 2 6, इसको डिवाइड कर दूंगा तो 40 बार में हो गया। अब इन दोनों का आपस में करना क्या, मल्टीपल कर लीजिए। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 25 6 कितना होता है, 100। 25 6 कितना होता है, 100 होता है। 25 6 कितना होता है, 100 होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, अगर ये 12% की छूट दे रहा है तो ये कितना, 88% है ना, 88% है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 4 8 होगी, 2 2 4 8, क्लियर है। अब मल्टीपल करिए 25 से, अब मल्टीपल करिए 25 से, तो 25 6 100 हो गया, 25 6 100 के 0 हो गया और 25 6 100, 100 और हासिल कितना बच गया आपका, 10। तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, जो कि 2% 12% की छूट दे रहा है तो दाम 88% का बचा, तो यहाँ पे 88 की जगह मैंने 80 कर दिया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, लेकिन इसको एक बार आप जरूर से समझ के फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये देखिए द्विघात समीकरण का, और द्विघात समीकरण भी हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसके पूछा क्या, मूल आपसे पूछा है, तो यहाँ पे कितना, ये सिर्फ 1 है, तो इन दोनों का हम लोग करते क्या मल्टीपल करते हैं, कितना मिलेगा ये 21, और 21 को हम ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं ताकि जोड़ने या घटाने पे मुझे ये वाला चाहिए, -10 चाहिए, तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा 7 × 21, क्लियर है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको -10 मिलेगा, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्लियर है। अगर ये मूल पूछा है, ठीक है, अगर ये मूल पूछा है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, साइन क्या करना आपको, चेंज आपको कर देना है, साइन चेंज करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, इसके मूल आपको कितना मिल गया 7 और 3 मिल गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से कोई धन, किस दर से कोई धन 2 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से कोई धन 2 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूं, यहां से चक्रवृद्धि में से धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + 1/r कितना हो जाएगा ये 100, और ये कितना होता है यहाँ पे n होता है, n का मतलब यहाँ पे जो टाइम दिया गया यही है, और ये क्या मूलधन है और ये क्या मिश्रधन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये क्या क्या कोई धन क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, अगर जो मूलधन कितना, अगर मैं मान लो 1 रुपया है तो जो मिश्रधन हो कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कितना हो गया 2, यानी ये कितना हो गया 2, ये 1 और ये 1 + r/100, और इसका मान कितना दिया गया 2 दिया गया, क्लियर है। अब देखिए करने के इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 से कोई फर्क होगा नहीं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर से हटा दूं, तो इसको हटा दूं इधर से, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा रूट, और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, कड़ी में जैसे कड़ी में 2 है तो इसका मान कितना होता है 1.414 होता है इक्वल टू, ठीक है ये आपका नहीं है, इसको सॉल्व करिए कितना मिलेगा, ये 100 मिलेगा, 100 + r, और पूरे कपड़ा कितना मिलेगा 100, पूरे कपड़ा कितना हो जाएगा 100, 100 का इधर मल्टीपल कर दूं, ठीक है 100 का मल्टीपल कर दूंगा तो ये जो पॉइंट है, ठीक है 2 अंक इधर खिसक आएगा तो कितना मिल जाएगा 1.4 इतना मिलेगा, और ये 100, और ये कितना, ये r, ठीक है r चाहे आप ऐसे बना लीजिए चाहे आप ऐसे बना लीजिए। अब करना कि ये इधर आएगा तो इधर घट जाएगा, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो घटेगा तो r की वैल्यू कितना मिल जाए आपको 4.441, ठीक है 4.1, और ये कितना मिलेगा 0.4, रेट आपको कितना मिल गया 41.4। ये देखिए मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करा दिया, अगर आप इससे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है सेकंड तरीका आपको बता रहा हूं, सेकंड मेथड, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो करना क्या है। देखिए कहा कि जो भी मूलधन रहा होगा, ठीक है उसको हम लोग मान लें कितना 2 गुना हो जा रहा है, तो मूलधन कितना रहा होगा 1 रहा होगा, और ये बढ़कर कितना हो जा रही है 2 गुना हो गया, पहले 1 था तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना, इस तरह से आपको कड़ी में लगाना है, ठीक है कड़ी में आपको लिखना होगा। अब देखिए ये जब कड़ी है तो कड़ी से फ्री हो जाएगा मेरा, ये क्या होगा कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो ये कितना देगा आपको 1 देगा, लेकिन जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, इसका मान कितना होता है 1.414 होता है, क्लियर है 4 होता है। अब इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद करना क्या आपको, इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का करना क्या आपको, अंतर आपको करना है, तो यहां से जब अंतर करेंगे तो 4.14 आपको मिलेगा, क्लियर है इतना। अब इसमें करना क्या आपको, इसमें क्या करिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है इसमें करना क्या आपको 100 से गुणा करना होगा, 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 41.4%, ठीक है। देखिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, फॉर्मूले से भी और इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, तो ठीक है जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का अनुपात 2:3 है, यदि इसमें एल्युमिनियम की मात्रा कितना 24 kg है, तो मैग्नीशियम की मात्रा आपसे पूछा गया।
देखिए कहा कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों का रेशियो कितना दिया गया, 2:3 है। और ये कहा गया कि एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है, 24, लेकिन रेशियो में एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है, 2 है। प्रश्न में ये कहा गया कि एल्युमिनियम की मात्रा 24 केजी है लेकिन रेशियो में कितना, 2। तो इससे करिए कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1:1 का मान मिल जाएगा, 1:1 का मान आपको पता चल गया। और पूछा कि आपसे मैग्नीशियम पूछा ना, तो इसका ला के आप इसमें गुणा कर दिए, भारतीय कितना हो जाएगा, 36। तो मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, 36, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर कोई मिश्र धातु है तो उसमें क्या है, अगर एल्युमिनियम की मात्रा 24 केजी है तो मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होगी, 36 केजी होगी, इस रेशियो के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नल एक इसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बी नल उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है, ए को चलाने के 5 मिनट बाद बी को खोल दिया जाता है, तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए प्रश्न में ये कहा गया दो नल है, ए है और बी है, ये कहा गया 15 मिनट में भर सकता है और ये खाली कर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, या तो ए भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, मैं बस लिख रहा हूं, ये 15 मिनट में और ये 20 मिनट में, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है, ये खाली कर टंकी को ये भर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम आपको लेना है, इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे 5 × 15 यानी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 60 हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 3, क्लियर है। अब ये कहा गया ए को चलाने के 5 मिनट बाद क्या कर दिया, बी को भी खोल दिया गया, तो सबसे पहले जो नल ए है कितने मिनट तक चलाइए, 5 मिनट तक। अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है तो 5 मिनट में कितना भरेगा, 5 × 20 कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल में से करिए क्या, घटा लीजिए, जब टोटल में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये इसको घटा लीजिए 40, क्लियर है, 40 आपको मिलेगा। अब इसके बाद क्या कहा गया है, अब इसके बाद बी को भी क्या कर दिया, खोल दिया जाए, यानी ए वाला जो ये चल ही रहा है, अब इसके बाद बी को भी खोल दिया जाए, ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए, बी को भी खोल दिया जाए। अगर बी को खोल दिया जाए तो जैसे नल ए टंकी में 4 लीटर पानी भरेगा, वैसे ही क्या करेगा, बी वाला 3 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो टंकी में पानी बचा सिर्फ कितना, 1 लीटर बचा कि नहीं बचा। फिर अगला मिनट होगा तो जैसे ही क्या करेगा, अगले मिनट में फिर सेम प्रोसेस होगा, जैसे 4 लीटर पानी भरेगा वैसे इसमें से 3 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो फिर टंकी में कितना पानी भरा है, 1 लीटर भरा है। तो इस तरह से करके मुझे कितना भरना है, टोटल 40 लीटर। अगर 1 मिनट में 1 लीटर भरा रहा है तो 40 लीटर भरने में कितना समय लग जाएगा, 40 मिनट का समय लगेगा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं, मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चन मिले थे, मैंने उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा दिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को अगर अर्थमैटिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से जो चैप्टर आपको पढ़ना आप वहां से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है।